नमस्कार साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी गुरु जी पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान का स्थिति विस्तार टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्थिति विस्तार को समझने के लिए एक ग्लोबीय स्थिति और दूसरा उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना है। ग्लोबीय स्थिति के संदर्भ में चर्चा की मैंने, अक्षांश स्थिति क्या है, देशांतर स्थिति क्या है, अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। साथियों, आज जो चर्चा करेंगे उसके बाद में दिशाओं को लेकर प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान के उत्तरतम कौन सा जिला है, कौन सी तहसील है, कौन सा स्थान है, तो वहां की चर्चा करें तो देखें किस प्रकार से। यहाँ बात करें कि यह अपना क्या है, राजस्थान क्या है साथियों, राजस्थान। और राजस्थान के अंदर दिशाओं की बात करें तो राजस्थान में जो दिशाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखे कौन कौन सी दिशाएं हैं। सबसे पहले बात करें किस साइड में, यहाँ पर एक दिशा है उसका नाम है उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पश्चिम, और ये क्या है साथियों पूरब। यहां से प्रश्न कैसा आता है कि राजस्थान के उत्तर की ओर कौन सा जिला स्थित है, तो साथियों यहां याद रखना कि राजस्थान के उत्तर की ओर उत्तरतम जो जिला है राजस्थान में, उत्तरतम जिला है कौन सा, श्री गंगा नगर। कौन सा है साथियों, श्री गंगा नगर। उत्तरतम जिले की बात करें तो श्री गंगा नगर, क्लियर साथियों। नेक्स्ट बात करें कि उत्तरतम जो तहसील है वो भी क्या है साथियों, श्री गंगा नगर। और यहां पर जो स्थान है, स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा गांव है, कोणा गांव। कौन सा है साथियों, कोणा गांव। ये राजस्थान के उत्तरतम जिले, तहसील व स्थान के बारे में चर्चा की, क्लियर साथियों। यहां पर देखे कहां पर है, यहां की बात करें तो साथियों यहां पर ये इस प्रकार से यहां पर स्थित है कौन सा जिला, गंगानगर जिला। यहाँ पर एक तहसील है गंगानगर और यहाँ पर एक गांव है कौन सा, कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव, क्लियर साथियों। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर ये राजस्थान का दक्षिण भाग है और दक्षिण भाग की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण भाग में एक जिला है, उसका नाम है क्या, बांसवाड़ा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम जिला, राजस्थान का दक्षिणतम जिला, तो साथियों जिला क्या है दक्षिणतम, बांसवाड़ा। क्या है बोलो, बांसवाड़ा। यहाँ पर तहसील, तहसील की बात करें तहसील है कुशलगढ़, कौन सी है, कुशलगढ़। और स्थान की बात करें तो स्थान है साथियों कौन सा, बोरकुंड। कौन सा स्थान, बोरकुंड। ये राजस्थान का दक्षिणतम हो गया कि दक्षिणतम जिला पूछे बांसवाड़ा, तहसील पूछे कुशलगढ़, स्थान पूछे बोरकुंड। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमतम जिला, राजस्थान का जो पश्चिमतम जिला है वो जिला ये है और ये कौन सा है साथियों, जैसलमेर। कौन सा है बोलो, जैसलमेर। और यहाँ पर जो तहसील है, तहसील है सम, कौन सी है सम। और जो गांव है साथियों वो है कौन सा, कटरा गांव। कौन सा गांव, कटरा गांव, क्लियर। तो यहां याद रखना यहां पर कौन सा गांव है, कटरा गांव। यहां पर तहसील कौन सी है, सम। यहां पर जिला कौन सा है, जैसलमेर। और बात करें राजस्थान के पूर्वतम, राजस्थान के पूर्वतम जो जिला है इसकी बात करें साथियों तो पूर्वतम जो जिला है यहां पर है उसका नाम क्या है, धौलपुर। क्या है बोलो, धौलपुर। तहसील, तहसील क्या है, राजा खेड़ा। क्या है बोलो, राजा खेड़ा। और स्थान कौन सा है, स्थान है सिलाना गांव। कौन सा है साथियों, सिलाना गांव। वर्तमान के अंदर, वर्तमान के अंदर साथियों यहां से प्रश्न नामात्र पूछा जाता है, प्रश्न एक दो साल से यहां से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि राजस्थान का जो उत्तरतम जिला है वो है श्रीगंगानगर, जो तहसील है वो कौन सी है, श्रीगंगानगर। स्थान है कौन सा, कोणा गांव। राजस्थान का जो दक्षिणतम जिला है वो कौन सा है, बांसवाड़ा।
तहसील कौन सी है कुशलगढ़, और स्थान कौन सा है भोर कुंड, और राजस्थान का जो पश्चिमतम जिला है वो कौन सा है साथियों जैसलमेर, तहसील कौन सी है सम, और स्थान कौन सा है कटरा गांव, और पूर्वतम जो जिला है वो कौन सा है धौलपुर, और दक्षिण तहसील क्या है राजा खेड़ा, और स्थान क्या है साथियों स्थान क्या है सिलाना गांव, और राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वह लापुलाई, राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वो कौन सा है साथियों लापुलाई, लापुलाई, और ये कहां है साथियों मेड़ता सिटी, कहां बोलो मेड़ता सिटी, ये राजस्थान का क्या है मध्यवर्ती गांव, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव क्या है साथियों लापुलाई, और लापुलाई कहां पर है मेड़ता सिटी में। क्लियर साथियों, यहां से दिशाओं को लेकर कैसा भी प्रश्न पूछे आपको क्या देना है साथियों जवाब। क्लियर, नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक रेखा की, उस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री करक रेखा, क्या नाम है साथियों 23.5 डिग्री करक रेखा। यहां देखे यहां पर बात करें तो साथियों यहां पर एक रेखा की चर्चा कर रहे हैं, उस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री करक रेखा। यहां देखे आराम से एक रेखा है कौन सी 23.5 डिग्री करक रेखा। साथियों जो 23.5 डिग्री करक रेखा है ये राजस्थान की मुख्य अक्षांश माना जाता है, और राजस्थान की दक्षिण दिशा की तरफ से गुजरता है। राजस्थान की बात करें साथियों तो 23.5 डिग्री करक रेखा किस दिशा से गुजर रहा है दक्षिण से। अब प्रश्न यह आता है कि 23.5 डिग्री करक रेखा कहते किसे है, तो यहां ध्यान दे 23.5 डिग्री करक रेखा किसे कहते हैं साथियों 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है साथियों 23.5 डिग्री करक रेखा, क्या कहा जाता है 23.5 डिग्री करक रेखा। क्लियर कैसे, यहां समझे यहां पर बात करें तो यहां पर साथियों ये पृथ्वी इधर जानते क्या है 23.5 डिग्री, यहां पर बात करें तो यहां पर यह है ये क्या पृथ्वी, क्या है साथियों पृथ्वी, यहां पर बात करें तो ये क्या है पृथ्वी, और इस पृथ्वी को बराबर दो भागों में, इस पृथ्वी को बराबर दो भागों में एक रेखा बांटती है, उसका क्या नाम है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्या नाम है साथियों 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये इस प्रकार से देखे ये अपनी क्या है पृथ्वी, और पृथ्वी क्या है साथियों पृथ्वी क्या है गोल, पृथ्वी क्या है गोल, और इसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा कितने भागों में बांट दी दो भागों में, ये कौन सी दिशा उत्तर, तो ये कौन सा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर साथियों, वो उत्तरी गोलार्ध और ये कौन सा दक्षिणी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या कहा जाता है साथियों उन्हें अक्षांश कहा जाता है, और यहां से एक रेखा गुजर रही है उसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां से एक रेखा गुजर रही है उसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। क्लियर साथियों, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध से गुजर रहा है तो उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, दक्षिण गोलार्ध से गुजर रहे हैं तो दक्षिण अक्षांश। साथियों जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसी को नाम दे दिया करक रेखा, क्या नाम दे दिया बोलो करक रेखा, और जो दक्षिण से गुजर रही है 23.5 डिग्री उसको नाम दे दिया मकर रेखा, क्या नाम दे दिया बोलो मकर रेखा। तो क्लियर हो गई होगी ये बात कि 23.5 डिग्री करक रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। क्लियर साथियों, अब देखे ये जो करक रेखा है राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है दो, ध्यान दे इधर करक रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है बोलो दो, दो कौन कौन से साथियों, यहां दो की बात करें तो एक है
डूंगरपुर, क्या है बोलो, डूंगरपुर, और एक क्या है बांसवाड़ा, क्या है बोलो बांसवाड़ा, कितने हो गए दो। 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है, दो। साथियों यहां देखिए एक प्रश्न और आता है, वो प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा की लंबाई, 23.5 डिग्री कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर, कितनी है साथियों, 26 किलोमीटर, क्लियर। अब राजस्थान में कहां कहां गुजर रही है, देखिए ये दो जिलों से गुजर रही है, अभी मैंने बताया यहां पर एक जिला है उसका नाम है क्या, डूंगरपुर, और यहां पर एक जिला है उसका क्या नाम है साथियों, बांसवाड़ा। यहां पर इस प्रकार से एक जिला है डूंगरपुर, और यहां से एक जिला गुजर रहा है उसका क्या नाम है साथियों, बांसवाड़ा, क्लियर। यहां देखे यहां पर बात करें तो यहां से एक रेखा गुजर रही है, इसका नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, क्या गुजर रही है साथियों, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ध्यान रखना ये कर्क जो रेखा है, कर्क जो रेखा है ये कितने जिलों से गुजर रही है, दो, कितने जिलों से, दो। ये कौन सा जिला है, डूंगरपुर, कौन सा है, डूंगरपुर, और ये कौन सा है, बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर और ये कौन सा, बांसवाड़ा, क्लियर। यहां से प्रश्न आता है कि ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये डूंगरपुर में कहां से गुजर रही है, तो डूंगरपुर में बात करें तो डूंगरपुर में भी एक गांव है, उस गांव का नाम है क्या, चीकली गांव, कौन सा गांव है, चीकली गांव से गुजरती है। और बांसवाड़ा में कहां से गुजरती है, तो बांसवाड़ा में एक स्थान है, कौन सा, कुशलगढ़, कहां से बोलो, कुशलगढ़, क्लियर साथियों। यहां को याद रखना है कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से और डूंगरपुर के कौन से गांव से, चीकली गांव से गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक जो गुजर रही है वो गुजर रही है बांसवाड़ा से, और न्यूनतम जो गुजर रही है वो गुजर रही है कहां से, डूंगरपुर से। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, देखिए कैसे यहां पर साथियों पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहां है साथियों, बांसवाड़ा, कहां है बोलो, बांसवाड़ा, सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां है साथियों, बांसवाड़ा, कर्क रेखा का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहां है बोलो, बांसवाड़ा, और इसका जो न्यूनतम विस्तार है, इसका जो न्यूनतम विस्तार है वो साथियों क्या है, डूंगरपुर, क्या है बोलो, डूंगरपुर। और भी यदि अंदर तक प्रश्न पूछे गहराई तक, तो साथियों याद रखना कि बांसवाड़ा से कितना गुजरता है, बांसवाड़ा से गुजरता है 25 किलोमीटर, और यहाँ डूंगरपुर से कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, क्लियर साथियों। तो आपको याद रखना है कि डूंगरपुर से 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा से कितना, 25 किलोमीटर, कौन सी रेखा गुजर रही है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। साथियों नदियों में पढ़ेंगे कि एक नदी गुजरती है दक्षिण राजस्थान से, उसका नाम है माई, जिसे काठल की गंगा, वागड़ की गंगा कहा जाता है, और ये जो नदी है ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, दो बार, कितनी बार काटती है, दो बार। इसलिए याद रखना इस प्रकार से नदी, इस प्रकार से नदी कितनी बार काट रही है साथियों, दो बार। ये इस प्रकार से नदी यहां किसको, कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है बोलो, दो बार। तो आपको याद रखना है क्या कि माई नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, दो बार। तो नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है क्या कि माई नदी, कौन सी नदी, माई नदी कर्क रेखा को, माई नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है, क्लियर साथियों। यहां पर मैंने किसकी चर्चा की, कर्क रेखा की। कर्क रेखा से एग्जाम के अंदर जितने भी प्रश्न बनते हैं
उन सभी प्रश्नों की चर्चा की कि 23.5 डिग्री करक रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि करक रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है, 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर में चीकली गांव, बांसवाड़ा से कुशलगढ़। यशियानो नेक्स्ट बात की मैंने कि करक रेखा का सर्वाधिक विस्तार बांसवाड़ा, न्यूनतम विस्तार डूंगरपुर। नेक्स्ट बात की कि यहाँ पर ये करक रेखा माही नदी को कितनी बार काट रही है, 2 बार, कितनी बार साथियों, 2 बार। और नेक्स्ट बात करें कि यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि बताओ ये जो 23.5 डिग्री करक रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर, कितनी है साथियों, 26 किलोमीटर। ये कौन सी नदी हो गई, माही, कौन सी, माही। क्लियर साथियों, मेरे हिसाब से निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो 23.5 डिग्री करक रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी भारत और एक कौन सा, दक्षिणी भारत। क्लियर लाडलो, नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद में जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं किसकी, भौगोलिक सीमा की, किसकी चर्चा करने वाले हैं साथियों, भौगोलिक सीमा की। यहां देखें साथियों, मैं चाहता हूं कि भौगोलिक सीमा क्लास बाद में करेंगे नेक्स्ट, यहां पर इसी आप करक रेखा और दिशाओं के बारे में याद रखना, भौगोलिक सीमा की जो क्लास करेंगे वो नेक्स्ट करेंगे, अभी नेक्स्ट जब क्लास होगी वो भौगोलिक सीमा के बारे में चर्चा करेंगे, भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे कि भौगोलिक स्थिति क्या है और भौगोलिक सीमा क्या है, सीमा के अंदर बॉर्डर की बात करेंगे, स्थलीय सीमा की, तटीय सीमा की, और यहाँ स्थिति के अंदर क्षेत्रफल की बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए पर्याप्त, बाकी चर्चा नेक्स्ट। और साथियों मैं यही कहूंगा यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आराम से एक एक प्रश्न को समझना है, और एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको जो भी पढ़ रहे हैं चाहे एक ही पेज पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। धन्यवाद साथियों, बाकी चर्चा नेक्स्ट।